हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम स्ट्रेट कट लहंगा बताएंगे ओल्ड साड़ी में से। देखिए, हमारी टू कलर की साड़ी है, इसको हमने अलग अलग कट कर लिया है। जो हमारा पल्लू था ये हमारा 2 मीटर का था, और जो ये रेड कलर की साड़ी है ये 3 मीटर का था। इसमें से आपको स्ट्रेट कट लहंगा बताएंगे। और जो हमारा गाउन है जो तैयार है वो 46 इंच का है, और इसको हम इस तरीके से फोर लेयर में रख लेते हैं। देखिए, हमने कपड़े को फोर लेयर में रख लिया है, 2 लेयर और 2 लेयर। ये हमारी खुले की साइड है, इधर हमारी बंद की साइड है। हम निशान लगाते हैं, तो यहाँ से हम 31 इंच और आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए, तो इसी में ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम 31.5 इंच का निशान लगाएंगे, और जो ऊपर का बॉडी पार्ट है उसे हम 15 इंच का लेंगे, क्योंकि हमारा गाउन 46 इंच का तैयार है। और यहाँ से सीधा इसको कट कर देंगे। देखिए, हमारा निशान लग चुका है। इसी में हमने सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, और इसको यहाँ से हम स्ट्रेट ही कट कर देते हैं। ध्यान रखिए, कपड़े को हमने फोर लेयर में रखा हुआ है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखिए, हमारे कपड़े का अर्ज पूरा है, और जो हमें इसमें प्लेट डालनी है ये हमारे यहाँ से बंद है, इसको भी खोल लेते हैं। देखिए, हम यहाँ से हमारा बंद था, हमने इसको यहाँ से भी खोल लिया है। डालनी है वो इस तरीके से, आधा इंच कपड़ा पकड़ के, और 1 इंच हमें इस तरह अंदर की साइड करना है इस तरीके से। और इसमें आधा इंच हमने मार्जिन के लिए इसलिए लिया है क्योंकि हमारे नीचे लेस लगी हुई है, इसमें हमें नीचे से कपड़ा फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं ऐसे। देखिए, इस कपड़े में से हम ऊपर के बॉडी पार्ट के लिए अलग कपड़ा निकाल लेते हैं, जितना कपड़ा हमें चाहिए इसमें से अलग कट कर लेते हैं। जितना कपड़ा हमें चाहिए था ऊपर की बॉडी पार्ट के लिए उतना हमने निकाल लिया है, और यहाँ से लेंथ रखनी है हमें। यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 15 इंच हमारे तैयार है, 16 इंच रखेंगे, हमें सिलाई मार्जिन के लिए भी चाहिए और नीचे फोल्डिंग के लिए भी। तो यहाँ से हम 16 इंच कपड़े को इसमें से निकाल लेते, और यहाँ से हम तीरे के लिए निशान लगाएंगे। तीरा हम रखेंगे यहाँ से 6 इंच, और यहाँ से हम मुड्डे रखेंगे 6 एंड, सॉरी हार मूल रखेंगे यहाँ से हम 6.5 इंच। जो साइज है हमें वो 36 इंच के हिसाब से बना रहे हैं हम इसको। 36 इंच का हाफ हुआ 9 इंच, और यहाँ इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे, 11 इंच। इस तरीके से हमें 11 इंच पर निशान लगाना है। ये कपड़ा हमारा मोटा है, इसमें ऊपर बॉडी पार्ट में हम लाइनिंग लगाएंगे, और नीचे हमें लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कपड़ा जो साड़ी का है वो मोटा कपड़ा है। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरीके से 1.5 इंच पर गुलाई देंगे। और जो हम गला बना रहे हैं उसे हम बॉट नेक में बना रहे हैं, यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और नीचे से 3.5 आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए, और 3 इंच हमारा तैयार है। आप चाहें तो नीचे लाइनिंग भी लगा सकते हैं।
हमारा कपड़ा मोटा है, हमें लाइनिंग लगाने की जरूरत नहीं है, और आप अपने अकॉर्डिंग गला या तीरा अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं बैक और फ्रंट के लिए सेम गला रखूंगी। और यहाँ से मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। हमारी कमर 32 है और यहाँ से हम 10 इंच पर 2 इंच इसमें भी ऐड करेंगे, और इन पॉइंटों को इस तरीके से मिला देंगे, इस वाले पॉइंट को इससे और इस वाले पॉइंट को इससे। और आपकी कमर ये आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ से मैं 1/2 इंच इसको डाउन कर दूंगी। और फ्रंट पार्ट के लिए मैं 1/2 इंच की गुलाई और दूंगी। इसके लिए मैं एक पर्दे को, बैक पर्दे को इसमें से अलग कर देती हूँ। और यहाँ से हम 1/2 इंच की और गुलाई देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस तरीके से। और हमारी कटिंग कंप्लीट है। इसको हम विदाउट स्लिप्स बना रहे हैं, आप चाहे तो स्लिप लगा सकते हैं। और गले के लिए पट्टियाँ भी इसी में से कट कर लेते हैं। देखिए हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है, ये हम इसकी 1.5 इंच चौड़ाई है, तो इसे हम ओरल में ही कट कर लेते हैं 1.5 इंच की। देखिए ये हमारा फ्रंट पर्दा है, उल्टे सीधे का ध्यान रखते हुए ये हमारी सीधी साइड है। और जो हमने ओरल में पट्टी कट करी थी उसको हमें इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करना है और इस गले के ऊपर ऐसे रखना है। हमने सिलाई लगा ली है, उल्टी साइड को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर से सिलाई लगानी है गले के ऊपर। देखिए हमने गले पर सिलाई लगा ली है। अब हार मूल पर लगाएंगे पट्टी इस तरीके से उल्टा करके। पट्टी को ऐसे डबल करना है और उल्टी साइड से लगानी है, इस बात का ध्यान रखना। देखिए सीधी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने इसको भी कट कर लिया है, और सीधी साइड को हमें इस कपड़े को इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है। ताकि हमारा थोड़ा सा भी कपड़ा निकले नहीं, इसको हम इस तरीके से अंदर ही इस कपड़े के नीचे दबा देंगे। देखिए हमने दोनों हारमोल्स पे सिलाई लगा ली है। देखिए
ऊपर की हमने बॉडी पार्ट को तैयार कर लिया है, अब नीचे के मेन पार्ट को तैयार कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक इंच सीधी सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हमें प्लेट वन स्टार्ट करनी है। आधा इंच कपड़ा पकड़ के अंदर की साइड हमें एक इंच कपड़ा रखना है इस तरीके से। इस तरीके से आधे इंच कपड़े को पकड़ के एक इंच हमें अंदर की साइड रखना है। इस तरीके से हमारी प्लेट बन के आए। इस तरीके से हमें बराबर बराबर दूरी पर प्लेट्स डालनी है। आप देख सकते हैं आधा इंच कपड़े को इस तरीके से पकड़ के एक इंच हमें अंदर की साइड करना है। इसमें मतलब डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे हम प्लेट डाल लिए आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम प्लेट डाल लिए ऐसे ही हमें पूरे कपड़े में प्लेट डालते जाना है। देखिए इस तरीके से हमारी प्लेट डल चुकी है। जैसे हमने इधर की साइड एक इंच कपड़ा छोड़ा था ऐसे ही हमको एक इंच कपड़े पर इस तरीके से सीधी सिलाई लगानी है। और आप चाहें अब नाप सकते हैं या पहले भी हम आपको नाप के बता देते हैं। देखिए बिल्कुल बराबर है, आप देख सकते हैं। देखिए हमें इसकी तरफ इधर से हमारा ये सीधा है। इसके ऊपर ऐसे रखना है उल्टा करके। ताकि हमें ऐसे पलटे तो हमारा ये सीधा है। देखिए हमने चोली को इसमें अटैच कर लिया है। और जो हमारा ये वाला कपड़ा है इसको हमें ऊपर ऐसे रखना है और सीधा करके ऐसे सिलाई लगानी है। हमारे बैक और फ्रंट दोनों पर्दे तैयार है। अब इनका तीरा जॉइंट कर लेते हैं। इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। आप जितनी आपकी फिटिंग हो आप उस हिसाब से फिटिंग कर फिटिंग करनी है इसमें। हम कपड़े को बराबर करते हैं।
देखिए हमारे नीचे से बिल्कुल बराबर है। जैसे हमने सेम एक साइड फिटिंग करी है, सेम दूसरी साइड फिटिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए देख सकते हैं नीचे से बॉटम बिल्कुल बराबर है। देखिए हमारा गाउन बनके तैयार है, देख सकते हैं आप। खूब सारा घेरा आया इसमें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।